Texas, Roman Reigns is here. Please welcome. जैसा कि हम सभी ने देखा 16 को अब लड़ने का लीडर बन गया और उसने डामाटोंगा के साथ जिमी उसो पर हमला कर दिया। फिर उन्होंने केविन ओवेंस पर 2 हफ्ते तक अटैक किया और रैंडी ऑर्टन भी इस फ्यूड में शामिल हो गए। इससे बैकलैश में उनके बीच मैच हुआ और ब्लडलाइन जीत गई। उस मैच के दौरान डामाटोंगा के भाई डांगालोन ने WWE में डेब्यू किया था। वही स्मैकडाउन के लेटेस्ट एपिसोड में डामाटोंगा ने एंजेलो डॉकिंस को हरा दिया और उसके बाद 16 ने डॉकिंस पर अटैक कर दिया। लेटेस्ट एपिसोड में कहा कि ब्लडलाइन 1.2 सोर्स पर अटैक करेगी और फिर रोमन रेंस वापस आ जाएंगे। हम सभी ने पोल हेमन को यह कहते हुए देखा कि रोमन रेंस ने खुद को ड्राफ्ट से हटा लिया है, लेकिन बाद में उन्होंने एडमिट किया कि उन्होंने रोमन रेंस से बात नहीं की। फिर स्मार्टडाउन के लेटेस्ट एपिसोड में 16 को ने कहा कि उन्होंने रोमन रेंस से बात की और रोमन ने उन्हें डिसीजन लेने की पावर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ये सच नहीं है और 16 को नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब रोमन रेंस समस्या में लौटेंगे तो इससे रेंस और रूसोस वर्सेस द न्यू ब्लडलाइन के बीच मैच होगा। हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि द रॉक वापस आएंगे या नहीं। तो दोस्तों, आप इस रूमर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कई न्यूज़ ने कहा कि ब्लडलाइन ये मैच जीतेगी और अन्य सुपरस्टार्स पर अपना अटैक जारी रखेगी। फिर समरस्लैम के आसपास रॉक वापस आएंगे और बताएंगे कि वह 16 और टामाटोंगा के लिए ऑर्डर्स देने वाले पर्सन थे और एंड में रोमन रेंस बेबी फेस कैरेक्टर में रिटर्न करेंगे और फिर वह और रूसो सर्वाइवर सीरीज में ब्लडलाइन से लड़ेंगे। तो दोस्तों, आप इस रूमर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।